क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, IPL 2019 का एक और रोमांचक मुकाबला दिनेश कार्तिक की कोलकाता नाइट राइडर्स अजिंक्य रहाणे की राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल को लो स्कोरिंग मुकाबले में 8 विकेटों से मात दे दी है। इस मुकाबले में राजस्थान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 140 रनों का आसान सा लक्ष्य कोलकाता की टीम को दिया था। कोलकाता की बेहतरीन गेंदबाजी के आगे राजस्थान के बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं करके दिखा पाए और राजस्थान के इन्हीं बल्लेबाजों की खराब प्रदर्शन की वजह से राजस्थान की पारी 140 रन ही बना पाई। इसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता की शुरुआत बेहद ही लाजवाब रही। ओपनर क्रिस लीन और सुनील नारायण ने पहले विकेट के लिए 91 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप बनाई, लेकिन कोलकाता की बल्लेबाजी के चौथे ओवर में एक ऐसी घटना देखने को मिली जो ज्यादातर क्रिकेट जगत में नहीं देखने को मिलती। दरअसल पारी का चौथा ओवर डाल रहे थे राजस्थान के गेंदबाज धवल कुलकर्णी और उन्होंने ओवर की तीसरी ही गेंद क्रिस लीन को लेग स्टंप पर डाली। इस गेंद को क्रिस लीन मिस कर गए और ये गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लग गई। लेकिन इस समय देखने वाली बात ये थी कि इस तेज गेंदबाज की गेंद स्टंप पर लगकर भी बल्लेबाज आउट नहीं हुआ। दरअसल धवल कुलकर्णी की ये गेंद स्टंप को छूते हुए चली गई। इस वजह से स्टंप के ऊपर रखे हुए बेल्स में इंडिकेटिंग लाइट्स तो लगी लेकिन बेल्स नीचे नहीं गिरी। ICC के नियमों की माने तो गेंद के स्टंप पर लगने के बाद स्टंप पर रखे बेल्स जमीन पर गिरने जरूरी हैं और इस गेंद पर ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से बल्लेबाज को नॉट आउट करार दिया गया। इसे देखकर राजस्थान के कप्तान खुद अजिंक्य रहाणे भी आश्चर्यचकित रह गए। वहीं गेंदबाजी डाल रहे धवल कुलकर्णी को तो ये आउट ही लगा और वो सेलिब्रेशन करने लग गए थे, लेकिन बाद में देखने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि बेल्स नीचे नहीं गिरी है और वो फिर से मायूस होकर गेंदबाजी के लिए वापस चले गए। तो दोस्तों, आपकी इस घटना पर क्या राय है? क्या इस गेंद पर राजस्थान को ये विकेट मिलना चाहिए था या नहीं? और आपकी इस ICC के नियम पर क्या राय है? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिए। धन्यवाद।